शादीशुदा जोड़ों का पुनर्विवाह हो या फिर नाबालिग जोड़ों की शादी, दोनों नियम के खिलाफ हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये देखना है तो अपने आसपास होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह समारोह में आप शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों यही इन शादियों का सच बन चुका है। झाबुआ के मेघनगर में लगा ये मेला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह का आयोजन है। वैसे तो इस योजना में गरीब तबके के उन जोड़ों का विवाह करवाया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनके लिए शादी एक आयोजन नहीं बल्कि बोझ होती है। लेकिन ज्यादातर योजनाओं की तरह ये भी गरीबों की कम, अधिकारियों की ज्यादा बन गई है। जी हाँ, लाल फीताशाही झूठी वाहवाही लूटने और अपने लाभ के लिए इसमें आंकड़ों की जादूगरी दिखाकर नियमों की कैसे धज्जियां उड़ा रही है, महज इसकी वानगी भर है ये विवाह समारोह। वैसे तो ये चेहरे ही इनकी उम्र का आईना है और इनका इकबाल भी यही बता रहा है कि ये नाबालिग है। क्या नाम है आपका? सुनील। कौन से गांव के? अच्छा, कितने साल के हो गए? 17 साल का हो गया। 17-18 हो गया। लेकिन अब सुनिए उन अधिकारियों की जिनकी देखरेख में ये आयोजन संपन्न होते हैं, यानी योजना के नियम और जरूरतमंद तक उसका फायदा पहुंचे, इसे देखना इनका ही जिम्मा है। शादीशुदा की शादी तो नहीं जरूरी है, सभी लोगों की शादी सभी की नहीं है। सर, यहाँ के जो बैठे हैं उन्हीं लोगों का कहना है कि हमारी शादी शुरू में हो गई है और हमको वापस यहाँ बुलवाया गया। हमने आवेदन किया सर, क्वेश्चन क्या नहीं तो सर, उसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया सर, अपने वेरिफिकेशन किया और पंचायत बाल विवाह तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल बाल विवाह यहाँ देखा गया सर। बाल विवाह तो सबके प्रमाण पत्र है हमारे पास। अच्छा, प्रमाण पत्र तो हमने भी देखा है। मतलब उनका कहना है कि मतलब मैं 15 से 16 साल का हूँ, वो खुद ही कह रहा है, हमारा कहना नहीं है। और उनके बेस तो लगा दिया आप लोग ने, मतलब 21 साल का, पर उनका अगर मेडिकल किया जाए तो प्रमाण पत्र आया है। तो आप किसे सच मानेंगे, जो दिख रहा है? या फिर जो दिखाया जा रहा है। खास बात है कि यहाँ सिर्फ नाबालिगों के विवाह ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के पुनर्विवाह भी करवाए जा रहे हैं। आज यहाँ पर काहे के लिए आए हो? फिर से शादी कराने? आपको किसने कहा वापस से शादी कराने के लिए? किसने कहा? नहीं नहीं, आपकी शादी पहले हो चुकी, 15 मार्च को। अब वापस से किसने कहा आप शादी यहाँ कराने आओ मुख्यमंत्री कन्यादान में? कौन आया था आपको कहने के लिए? सच्ची बात था, सच्ची बात। इन विवाह समारोह का दूसरा सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ एक तरफ आंकड़े पूरे करने के लिए नियम ताक पर रखे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों को शादी करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। हमने सर, हमारे 2 आवेदन पेश करे, बच्चे का जगह था और लड़के का भी कर रहे थे, उसमें हमारे लड़के का आवेदन नहीं रखा तो हमसे सीओ ने हजार रुपये मांगे। सीधे सीओ साहब ने मांगे थे? सीधे सीओ साहब ने मांगे। आपने किसको दिए फिर पैसे? पैसे उन्हीं को दिए, सीओ साहब को दिए। मतलब पैसे नहीं दिए इसलिए निरस्त हो गया? हाँ सर, उसी के लिए। दोनों के पैसे मांगे थे? दोनों के मांगे आपने, एक ही के दिए? एक ही के। और ये शख्स जिन सीओ साहब को रिश्वत देने की बात कह रहा है वो वही हैं जो इससे पहले योजना में सब कुछ ऑल इज वेल होने का दावा कर रहे थे। तो शायद अब तक आप भी जान चुके होंगे योजनाओं के तहत होने वाले सामूहिक विवाह का सच, कि कैसे मुनाफे के लिए अधिकारी शादी के नाम पर धज्जियां उड़ाते हैं गरीबी की, योजना की और नियमों की। इससे पहले भी कई बार मीडिया इसकी झलकियां प्रशासन को दिखाता रहा है, लेकिन शायद उसने भी अपनी योजनाओं को महज तमाशा ही समझ लिया है। जिसकी गिनती तो है लेकिन वो मिलती उन्हें नहीं जो उसके हकदार हैं। नरेश प्रताप सिंह, सहारा समय, झाबुआ।